वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है रॉयल राइडर दिनेश और आज मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ अपने कैमरा की अनबॉक्सिंग। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे को कैमरे के साथ साथ में क्या क्या चीज़ मेरे को मिली है। और ये मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी जो मेरी वीडियो बन रही है वो गोप्रो हीरो 5 से बन रही है, क्योंकि मैंने री ब्लॉगिंग के लिए इसको लिया है क्योंकि इसकी क्वालिटी मच बेटर है मेरे गोप्रो हीरो 5 से। तो आइए दोस्तों, मैं अनबॉक्सिंग करता हूं इसकी और आपको दिखाता हूं क्या इसके फीचर्स हैं और क्या क्या मेरे को इसके साथ में मिला है। दास इलेक्ट्रॉनिक्स से करे हैं जो आपको कार्ड में नजर आ रहा है। दास इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी अच्छे प्राइस उन्होंने मेरे को दिए हैं, लेकिन मैं कैमरा में वो बता नहीं सकता क्योंकि वो मेरे लिए गिफ्ट है। तो कैमरा से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैमरे के साथ में मेरे को ये कैमरा बैग मिला है, जो कि देखते हैं खोल के कि कैसा है। इसका उन्होंने मेरे से कोई भी चार्ज नहीं करा है। तो दोस्तों ये काफी अच्छा है और काफी नरम भी है कि इसमें मेरा आराम से कैमरा यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल काफ़ी सॉफ्ट है अंदर से, तो काफ़ी सेफ रहेगा। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो आइए दोस्तों, करता हूँ मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग। इसमें मैं बता देता हूँ पहले इसमें क्या है। इसमें 2 साल की मेरे को वारंटी मिली हुई है, जो कि आपको इसमें दिख रही है। तो और 16 GB का कार्ड इनसाइड मिला हुआ है, जो काफ़ी फास्ट स्पीड से ट्रांसफ़र करता है डाटा। तो ये 2 चीज़ मेरे को इसमें है, ये मेरे को इसके अंदर ही कैनन वालों की तरफ से मेरे को 16 GB का कार्ड इसके अंदर मेरे को मिलता है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी हैं, जो 20 MP कैमरा है इसका और 20mm 4.1 पिक्सल जो जूमिंग है वो जूम करता है। और लेंस इसमें 2.8 का है, तो काफ़ी अच्छी बात है। जो हम ब्लॉगिंग करते हैं उसके पर्पज़ से काफ़ी अच्छा इसमें लेंस है, वो हमारे काफ़ी यूज़ आने वाला है। प्लस में वाईफाई है इसमें और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हर कैमरा में आपको देखने को मिलती हैं। अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले हमें इसकी गाइडिंग बुक मिलती है, जो अभी हाल फिलहाल हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मेरे को पहले ही बहुत नॉलेज है, मैं नेट से बहुत ज़्यादा नॉलेज ले चुका हूँ उसके बारे में। तो और दिखाता हूँ मेरे को इसमें क्या क्या मिला है। इसमें मेरे को एक कैमरा की बैटरी, जो हर गैजेट के साथ में मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कैनन की तरफ से मेरे को 16 GB का ये कार्ड मिला है, जो कि 48 MBPS पर सेकेंड से ये इसमें रिकॉर्ड करता है। इसको 16 GB की जगह मेरे को 64 GBPS मेरे को दे देते इसमें तो काफ़ी अच्छा होता। तो कोई बात नहीं, अभी इसी से काम चलाएंगे। ये इसकी केबल है, ये बैटरी चार्जर है इसका, ये इसका बैटरी चार्जर है। तो इसमें ये बैटरी कुछ इस तरह से इसमें लगेगी और ये इसमें ऐसे प्लग होके बैटरी चार्जिंग लग जाएगी। तो अभी कैमरा में वो देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। दूसरा, ये इसकी स्ट्रिप है, जो इसके साथ में हम कैमरा के साथ में हम इसको लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इन्होंने दी हुई है, तो इसमें हम डाल के इसको कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमारी निकल गई है। अभी हम अपने कैमरे को बाहर निकालते हैं और ये है हमारा कैमरा। तो काफ़ी छोटा कैमरा बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है देखने में। तो जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था वो मैं इसको यहाँ इसमें हुक में लगा सकता हूँ इसको। सो दोनों तरफ लेफ्ट राइट दोनों तरफ दिया हुआ है, किसी बंदे को लेफ्ट में हैंड में डालना है तो किसी को राइट में डालना है, तो दोनों तरफ इसमें ये चीज़ दी हुई है। वाईफाई का अलग से हमें साइन दिया हुआ, जो कि मैं आपको अभी बॉक्स के ऊपर मैं आपको बता रहा था। मैं इसको प्रेस करूँगा तो मैं अपने फ़ोन से इसकी ऐप में निकाल के अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ और विद इन 1 सेकेंड के अंदर जो इसमें मेरा डाटा है वो मैं अपने फ़ोन में ले सकता हूँ और मैं किसी से भी सेव कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आजकल सभी कैमरों में आ रही है। दूसरा, इसमें इंटरनल स्पीकर है बट एक्सटर्नल दे देते हो, काफ़ी अच्छा इनका कैमरा ही जाता। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक HDMI पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक HDMI पोर्ट दिया हुआ है और साथ में एक चार्जिंग USB वाला
कि हम साथ में इसको अपने पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें बैटरी निकालने की जरूरत नहीं है ना हमें बैटरी इसमें लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि बैटरी कहीं पे ख़त्म हो रही है और हमने कोई टाइम लैप्स इसमें या कोई वीडियो हमने इसमें चालू कर रखी है तो हम साथ साथ में अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। दूसरा, अभी इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलता है। दूसरा, जो इसमें अभी आवाज़ आ रही है इसको मैं यहाँ से नीचे कर दूँगा तो स्मूथली रिंग घूमेगी पूरी पूरी और मुझे जैसा पसंद है आवाज़ का कि कितने एंगल पे सेट है तो इसको उस हिसाब से हम रख सकते हैं। दूसरा, अभी इसमें बैटरी डालते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और कैसे क्या है। ठीक है, अभी ये लीजिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है इसकी स्क्रीन है, ये काफ़ी हम इसे टिल्ट कर सकते हैं जैसे हमें जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए ऐसे, मैं उससे वीक ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ अपने ऐसे कैमरे से। ये तो स्क्रीन का काफ़ी अच्छा पार्ट है जिसकी वजह से ये चला हुआ है, इसलिए ये फेमस भी है। हमारे G7X एक वीक ब्लॉगिंग वाले सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है ये। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हैं, यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये फ्लैश निकल के आती है और उसमें इस फ्लैश को ऐसे करके भी काम में ले सकता हूँ क्योंकि ये मेरी छत से बाउंस होके काफ़ी अच्छा इफेक्ट मेरे को देगी। तो जैसे आपको हो मर्जी आप इसको ले सकते हो। आप इसका बटन यहाँ पे है, इसको हम दबाएंगे तो ये निकल के बाहर आ जाती है। तो काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें दी हुई हैं। दूसरा, इसको मैं यहाँ पर माउंट कर सकता हूँ अपने, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी इसको मैं चालू करके इसके अंदर का कुछ दिखाता हूँ। तो जो ये शूट हो रहा है वो G7X Mark II, तो आप देख सकते हो इसकी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो की कितना डिफरेंट है मेरे GoPro Hero 5 में और G7X Mark II में। तो ये थे कुछ फीचर्स हमारे G7X Mark II के। ये काफ़ी अच्छा कैमरा है, अपनी आने वाली सभी वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ तो आप इसमें उसकी क्वालिटी देख सकते हो। लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी।